आई एम मलिका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या हम कोऑर्डिनेशन को द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर कर सकते हैं? अगर यस तो किस बेस पर? तो इसके लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखा है यहाँ, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग नहीं की, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उन सभी में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। और यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है, और प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल का मैनेजर करता है एंड पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। टॉप लेवल का मैनेजर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करता है, रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा पूरा सोचता है, ठीक है। और मिडिल लेवल एंड लो लेवल के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करता है, क्लियर। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है टॉप लेवल, सेकंड होता है यहाँ पर मिडिल लेवल, एंड थर्ड होता है यहाँ पर लो लेवल। तो टॉप, मिडिल, लो तीनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ता है। अगर टॉप लेवल सोच ले कि मुझे मिडिल लेवल की जरूरत नहीं है, मैं तो लो लेवल से काम चला लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। टॉप का काम मिडिल के बिना नहीं हो सकता, मिडिल का काम लो के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों लेवल को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ता है। टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीड द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन वन कॉमन डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको लीड करने का काम करता है, एंड सबके एफर्ट्स को, जितने भी इंडिविजुअल अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, सबको एक कॉमन डायरेक्शन देता है टॉप लेवल का मैनेजर, ठीक। एंड थर्ड है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। एनी कंपनी विच फॉल्स टू कोऑर्डिनेशन इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन में अनसक्सेस रहती है, ठीक है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन की नीड सभी जगह है, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे कॉलेज हो, बैंक हो, ठीक है, सभी जगह कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि यस, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।